तो मेरा ब्राउनी मिक्स रेडी है। मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मेरे पास वॉलनट्स नहीं है। डार्क चॉकलेट को हम सबसे पहले पीसेस में कट कर देंगे। ये फूलना शुरू हो गया, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से बन चुका है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई विल बी मेकिंग अ डार्क चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी। इट्स अ वेरी सिंपल, क्विक एंड इजी रेसिपी, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो सबसे पहले मैंने एक बेकिंग डिश लिया, उसमें मैंने बेकिंग पेपर लगा दिया है इसी की नाप का कट करके, और अभी इसको हम साइड पर रख देंगे। तब तक हम बाकी इंग्रेडिएंट्स से मिक्स तैयार करते हैं। तो डार्क चॉकलेट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क कंपाउंड चॉकलेट। इस डार्क चॉकलेट को हम सबसे पहले पीसेज में कट कर देंगे ऐसे, ताकि ये ईजिली मेल्ट हो जाइए। मैंने ये पीसेस में कट कर लिया है। ये मैंने बॉलोनी को रख दिया था, ये बॉल प्लेस कर दिया जिससे मैंने चॉकलेट्स काट के रखी थी। हम इसको स्पून से या फिर स्पैचुला भी यूज़ करके इसको ऐसे ऐसे करके हिलाते रहना है, सो दैट ये चॉकलेट मेल्ट हो जाए। अभी जब भी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी तो आपने इसमें इंश्योर करना है कि इसमें पीसेज ना रह जाए चॉकलेट्स के, मतलब लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल लिक्विड होना चाहिए। अभी इसमें हम बटर ऐड करेंगे, तो आपने भी इसको इसी कंसिस्टेंसी से मेल्ट करना है, और ये थोड़ा फास्ट होना चाहिए क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे जल्दी जमने लग जाता है कंपाउंड। अब इसमें हमने एक कप मैदा डालना है। अब मैं इसमें हाफ कप शुगर डालूंगी और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूंगी। लास्ट में इसमें मैं हाफ कप मिल्क ऐड कर दूंगी। मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मेरे पास वॉलनट्स नहीं है, इसीलिए मैं उसकी जगह काजू यूज कर रही हूँ। एंड आप लोग वॉलनट्स यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन गो फॉर काजू एज वेल, इट्स अप टू यू। अभी जो पहले मैंने आपको वो बेकिंग डिश दिखाया था, उसमें मैं थोड़ी सी ऑयलिंग करूंगी ताकि जब हम इस केक्स को बेक करेंगे तो ये इसमें स्टिक नहीं करेगा। तो मेरा ब्राउनी मिक्स रेडी है एंड मैं इसको अवन में बेक करने वाली हूँ, इसलिए मैंने अपन को पहले ही प्री हीट कर दिया है 10 मिनट्स के लिए, एंड अब हम इसमें अपना ब्राउनी रख सकते हैं। तो मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए सेट होने को रख दिया है, हम इसको 30 मिनट्स बाद चेक कर सकते हैं। जब तक के लिए ब्राउनी बेक हो रहा है तब तक के लिए हम सफाई कर लेते हैं, ये करना भी ज़रूरी है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आफ्टर एवरी बेकिंग और कुकिंग। तो हमारा ब्राउनी पे भी बस रेडी होने वाला है थोड़ी ही देर में। ये बेक होना शुरू हो गया है एंड काफ़ी अच्छा फूल गया है ये। अभी मैं वेट करूँगी इसको थोड़ा सा 5 मिनट्स के लिए कूल डाउन होने के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं इसको खोल के फिर से एक बार चेक कर लूँगी। इसी के लिए मैं इसके लिए टूथपेस्ट यूज़ करूँगी, हम उससे चेक कर सकते हैं कि ये हो चुका है अच्छे से कि नहीं। तो टूथपिक से चेक करने का यही होता है कि अगर ये बेक नहीं हुआ है अच्छे से तो इसका जो अंदर का मिक्स होता है वो इस पर स्टिक कर जाता है, और अगर अच्छे से बेक हो चुका है जैसे अभी हो चुका है, इसका जो मिक्स था वो इस पर स्टिक नहीं कर रहा है, विच मीन्स इट इज एब्सोल्युटली रेडी। सो गाइस, मेरी ब्राउनी रेडी हो चुकी है एंड इट टर्न आउट वंडरफुल। आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। That was it for today's video. Video pasand aaya to please give it a thumbs up, also share with your friends and family and subscribe to my YouTube channel. Tab tak ke liye, bye bye.